डीनो मोरिस ने शेयर करा अपनी एक्टिंग को लेके, अपनी मॉडलिंग को लेके एक रहस्यमय बात बताया उन्होंने कि आज के वक्त में जो है मॉडल्स एक्टर्स क्यों नहीं बन रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। डीनो मोरिस जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही जाने माने नाम है, उनकी मॉडलिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में रहते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब 90s के वक्त में उनकी रैम वॉक को लेके बहुत सारे लोग उन्हें प्रेज किया करते थे। उनसे जब पूछा गया कि आजकल एक्टर्स जो है वो मॉडलिंग से एक्टिंग में क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे हैं या फिर मॉडल्स आजकल फिल्मों में क्यों नहीं देखे जा रहे, तो उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया, बताया कुछ ऐसी बातें जो कि असल में हुआ करती हैं, जो कि हर कोई रिलेट कर सकता है और जो आंखों देखी होती हैं। आपको बता दें, डीनो मोरिस एक ऐसे वक्त से हैं जब सारे एक्टर्स जब एक्टिंग में तब घुसा करते थे जब वो मॉडलिंग में एक रिकॉग्नाइजेबल फेस बना लेते थे, चाहे वो मिलान हो, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो डीनोस हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, दीपिका पादुकोण हो, अर्जुन रामपाल हो, जैसे कई सारे किरदार थे उस टाइम पे जब डीनो मोरिस ने अपनी मॉडलिंग शुरू करी थी। उस टाइम पे जब जितने भी मॉडल्स होते थे वो फिल्मों में आया करते थे, उनकी भी राज फिल्म के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। उनकी आने वाले वक्त में भी एक मूवी आने वाली है जिसके लिए वो सुर्खियों में चल रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है इस बात को लेके, तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त पे हम थे, जब हम एक्टिंग करते थे, मॉडलिंग करते थे, उस टाइम पे ये था कि जब कोई कैरेक्टर जो है, जब कोई मॉडल जो है पॉपुलर हो जाता था तो उसके आने वाले वक्त में है जो वो एक्टिंग के लिए देखा जाता था और एक्टिंग की फिल्मों में ही दिखाई देता था। तो ये एक तरीका होता था, पहले मॉडल बनो फिर एक्टर बनो। मगर आज के वक्त में जो है जिसे एक्टिंग आती है वो सीधे एक्टिंग इंडस्ट्री में अप्लाई कर लेता है और वो सीधे एक रोल कर लेता है एक्टर का। और आजकल जो टीवीज में मतलब मॉडलिंग बहुत कम लोग देखा करते हैं, ये आजकल जो दौर है वो एक ऐसा दौर है जहाँ पे टीवी पे लोग रैम वॉक देखना, मॉडल्स को देखना इतना पसंद नहीं करते, हर चीज़ सोशल मीडिया पे देखी जाती है। तो मॉडल्स का जो वो क्रेज है जो पहले हुआ करता था, जो रैम वॉक देखने के लिए लोग एक्साइटेड रहा करते थे, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है वक्त के साथ इस कम होने के कारण। मगर जो मॉडल्स हैं वो एक्टर्स नहीं बन पाते और एक्टर्स जो है वो मॉडल्स बन जाते हैं। उस टाइम पे उन्होंने इस बात को शेयर करते वक्त अपना एक्सपीरियंस बताया, पुराने वक्त से अब तक का डिफरेंस बताया और ये भी बताने की कोशिश की कि क्यों आजकल जो है एक्टर शिफ्ट नहीं हो रहे। आपको बता, आने वाले वक्त में जो है उनकी मूवी आने वाली है और वो ममूती जी के साथ भी देखे जाने वाले हैं। दोनों मूवीज़ को लेके बहुत सारी एक्साइटमेंट जुड़ी हुई है फैंस में कि वो इस वाली मूवी में भी जो है एक नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे या उन्हें एक विलन के रोल में दिखाई देंगे। तो लोगों को बहुत उम्मीदें हैं उनके इस वाले किरदार से। आपको इस मूवी का नाम पता है नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें। और आपको उनकी सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है इसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।